चलते हैं केशव मौर्य के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रिजेश है। ब्रिजेश जरा बात कीजिए। जी ब्रिजेश बात कीजिए। आयुर्वेद में बीजेपी एमपी यूपी स्टेट चीफ केशव प्रसाद मौर्य, सर यूपी के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं और जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें आप भाजपा की स्थिति को कैसा आंक रहे हैं? त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा है। सपा बसपा कांग्रेस एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। भाजपा के साथ जनता खड़ी है, उनके साथ गुंडे अपराधी खड़े हैं, भ्रष्टाचारी खड़े हैं। लड़ाई साफ है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है, एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है। इलाहाबाद में जहां मैं खड़ा हूं ये मेरा संसदीय क्षेत्र है, इस जनपद में 12 विधानसभा सीटें हैं, अपने सहयोगियों के साथ सभी 12 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ये कोई दावा चुनाव के पहले करने का नहीं, 11 तारीख को इसके परिणाम आएंगे और यहाँ की 12 सीटें भाजपा की झोली में होंगी। जिस तरह से ये नैरेटिव शुरू हुआ चुनाव के पहले, विकास की बात हुई, काम बोलता है, ये सब चला, लेकिन धीरे धीरे आते हुए ये चौथे चरण तक आते हुए ये शमशान घाट बनाम कब्रिस्तान कसाब इसमें कन्वर्ट हो गया, क्या विकास अनाथ हो गया? देखिए काम नहीं, उनका कारनामा बोल रहा था, उनके बड़े बड़े कांड बोल रहे थे, कहीं बलात्कार का कांड, कहीं बुलंदशहर का कांड, कहीं मथुरा का कांड, कहीं भर्तियों में भ्रष्टाचार का कांड, ये सारे कांड बोल रहे थे। कांड का उन्होंने काम का नाम दे दिया और काम का नाम देकर के उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की, इसलिए फूल खिल रहा है ये। लेकिन जो कब्रिस्तान और बनाम शमशान घाट के जो बयान था और कसाब का बयान था, इन बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी ने शपथ ग्रहण के दिन से लेकर के और जिस दिन यहाँ से विदा होकर सैफई जाएंगे तब तक उनके जितना भी बस में होगा केवल आपस में लड़ाने वाले निर्णय उन्होंने लिए, योजनाएं लेकर के आगे आए थे। और जनता ने इसी कारण से उनको 2014 में इतना करारा झटका दिया था कि उनको समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, लेकिन 2014 की करारी पराजय के बावजूद अखिलेश यादव जी के समझ में नहीं आया है, इसलिए जनता उनको इस प्रकार से समझा देगी 2014 में कि सैफई परिवार के आखिरी शासक साबित हो जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जिस तरह का जो नैरेटिव बदला है, जो बार बार ये आ रहा है कि दीपावली पे बिजली काटी जा रही है और ईद पे बिजली दी जा रही है, ये कौन सी गलत बात है? ये तो सच है कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में भेदभाव किया गया, रमजान में बिजली आएगी, नवरात्र में नहीं आएगी। कांवरिये यहाँ से बाबा भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, उनको भजन गाने तक से रोका जा रहा है। दीपावली अंधेरे में लोगों को बितानी पड़ती है। ये सरकार में जो योजनाएं आई, चाहे शमशान घाट की जो बात आई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए अगर पैसा दे सकते हैं तो शमशान घाट के व्यवस्था के लिए क्यों नहीं दे सकते भाई? ये तो भेदभाव करने का काम करते हैं अखिलेश जी। इनको लगता है कि इसी तरह की राजनीति से और हम सफल हो जाएंगे, अपराधियों को संरक्षण करके सफल हो जाएंगे, लेकिन जनता बहुत जाग गई है। और 2014 में उसका संदेश उन्होंने दे दिया था, अभी नहीं समझ में आया है। अब इस 11 तारीख को उनको ठीक से समझ में आ जाएगा जब राजनीति में उनको उत्तर प्रदेश की जनता वनवास में भेजे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, इसी वजह से वो इस प्रकार के चुनावी नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो जनता बताएगी कौन बौखलाया है, कौन पगलाया है, किसकी हालत खराब है, कौन जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आरोप लगाएंगे बीजेपी ने ऐसे मुद्दे उठा दिए इसलिए हम हार गए, परिवार में झगड़ा हो गया इसलिए हार गए, कांग्रेस से गठबंधन कर लिए इसलिए हार गए। तलाश रहे होंगे सब रास्ते कि क्या कह करके हार के सदमे से उभरा जाएगा और क्या कह करके बचा जाएगा। आखिरी सवाल, ये जो यूपी के लड़कों की जोड़ी है, आपको लगता है ये इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश के लड़कों की जो जोड़ी है, उस जोड़ी के लिए मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये जोड़ी जाती है वहाँ नौजवान नारा लगाता है कि राहुल अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ। दिस वॉज केशव प्रसाद। चलिए हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन आप कुछ देर पहले ब्रिजेश ने बात की थी सिद्धार्थनाथ सिंह से, हमको लगता है वो हिस्सा सुनना चाहिए छोटा सा। कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, मुद्दा है विकास 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 और कोई भी मुद्दा नहीं है, और भ्रष्टाचार और गुंडा राज खत्म करने का ये मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में विकास से नैरेटिव बदल के कब्रिस्तान शमशान आई और जिस तरह से बीजेपी प्रेसिडेंट ने कसाब की बात कही, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा विकास का भटक रहा है? मेरे को नहीं समझ आता। देखिए विकास जो है, विकास के साथ आपको संतुलन भी बैठाना है, सांप्रदायिकता खत्म करनी है, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं 19% जो मुस्लिम समाज के हैं उनके लिए 400 करोड़ का बजट दे कब्रिस्तान बनाने का, और 80% जो हिंदू समाज है उसके लिए 200 करोड़ दे, तो कहीं न कहीं सरकार जो है उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की वो उसकी नीति साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री ने उसी तरफ इंगित किया और कहा है जहां कब्रिस्तान की दीवारें बने वहां शमशान की बने, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिसको आपत्ति कसाब पे हो रही है, हमारे ऊपर जब आप जुमला देते हैं और बीजेपी को बना देते हैं, तो हमने कहीं कहा कांग्रेस
सा सपा और बा बसपा, आपने हमने जोड़ दिया तो का साफ बन गया। मगर आपको जिनको ये समस्या हो रही है कसाब से, उनको बताना चाहिए कि आपको कसाब से क्या लेना देना है। ये उनका कहना है, विपक्ष का ये भी कहना है कि जब बीजेपी की हालत खराब होती है तभी वो इस तरह के कम्युनल नैरेटिव में पे उतरते हैं। मगर मेरे समझ ही नहीं आया कहीं आदमी कम्युनल क्या होता है। कम्युनल ये होता है कि आप बजट में जो हिंदू और मुसलमान में अंतर कर देंगे तो वो कम्युनल हुआ, कहीं आप कसाब से अपने आप को जोड़ने लेंगे वो कम्युनल हुआ। हमने तो कुछ किया ही नहीं, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल, जिस तरह से ये यूपी के लड़कों का नैरेटिव चल रहा, आपको लग रहा है वो भाजपा को टक्कर देंगे? मैं इतना जानता हूँ भारतीय संस्कृति के अंदर दो लड़के साथ साथ रहे और उनको प्यार हो जाए उस पर आपत्ति होती है। अब ये कहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी दो लड़के जो हैं वो साथ साथ और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश की जनता उसको स्वीकार करने वाली है। ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह। और से हो जिक्र चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह से हो, और जिन शब्दों को लेकर जिक्र हो रहा है वही शब्दों का दोहराव यहाँ पर हो रहा है। शशि शेखर जी, अभी केशव प्रसाद मौर्य की एक बात थी कि अपराधी लड़ रहे हैं वहां से, जो ADR की रिपोर्ट है वो तो ये कह रही है चौथे चरण में सर्वाधिक केस अगर किन्हीं लोगों पर है तो भाजपा के प्रत्याशियों पर है। ये ADR की रिपोर्ट है, 13 कैंडिडेट्स पे अपराधी हैं, दागी हैं, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हैं, 8 कांग्रेस के हैं और 11 जो है BSP के। बताइए, माशाल्लाह सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं तो आरोप किस बात पे कौन लगा रहा है? और सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो अभी बोला, मुझे लगता है कि जो उनका स्टेचर है, जो उनकी प्रतिष्ठा है और जो उनकी प्रतिभा है वो उसके अनुकूल नहीं है। रमेश जी, देखिए इसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ संक्षेप में। एक तो बिजली वाली जो बात है जो वो कह रहे थे वो बहुत पुरानी पड़ गई और उसका आंकड़ा तो टेलीविजन चैनलों पर आ गया। मैं आज तक आपके चैनल को ही कोट कर रहा हूँ कि 6 जुलाई 2016 का आंकड़ा है 13,500 मेगावाट ईद के समय 13,500 मेगावाट आया था। लेकिन आप भी इस दिशा में क्यों जा रहे हैं कि ईद में ये फेक न्यूज, ये फेक न्यूज का जमाना है? तो ये मुझे लगता है कि फेक न्यूज और पोस्ट ट्रूथ से बीजेपी अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी क्यों बना रही है, मेरा सवाल ये है। एग्जैक्टली दूसरा सवाल कि जो सिद्धार्थनाथ सिंह जैसा संजीदा आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है कि दो लड़कों के प्यार को ये देश प्यार ये पसंद नहीं करता, भाई अगर मिथकों पर ही हम जाएं, उनकी तथाकथित भारतीय संस्कृति, हालांकि भारतीय संस्कृति में वो कहीं हिस्सा नहीं उनका है, न तो आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा दिखता है इस पूरे धारा का, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो सारी बड़ी लड़ाइयाँ, सारे बड़े विमर्श में लड़के साथ रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन की दोस्ती कौन इसको भूल सकता है? तो जिस तरह का कुंठित ढंग की व्याख्या वो कर रहे हैं इतिहास की और समाज की और संस्कृति की, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की ये व्याख्या सुनकर भारतीय संस्कृति के बड़े विद्वान, चाहे वो भगवत शरण उपाध्याय हों, राहुल सांकृत्यायन हों, वो जहाँ भी होंगे आत्मा में वो विश्वास करते हैं, वो रो रहे होंगे कि इस मुल्क की जनतंत्र में क्या ये देखने को मिल रहा है। हम प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए जरा। प्रसन्न, प्रतापगढ़ में इस समय दो जो बहुत खास सीटें उनमें से एक है रामपुर खास। हम इस समय प्रमोद तिवारी जो हैं उनके घर पर है, उनकी बेटी जो है आराधना मिश्रा, जिनको यहाँ पर लोग बड़े प्यार से मोना दीदी बोलते हैं, वो भी साथ में है। पहले तो जो आराधना है उनसे पूछते हैं, आप लड़ती आई हैं, दूसरी बारी किस्मत आजमा रही हैं, कितना मुश्किल है ये चुनाव? चुनाव न पहली बार मुश्किल था न इस बार मुश्किल है। मुझे रामपुर खास के हमारे परिवार का आशीर्वाद पहले भी मिला है, मुझे लगता है इस बार उससे ज़्यादा मिलेगा। और सर आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले तो कल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अमित शाह, उन्होंने जिस तरह से कहा कि कसाब से मुक्ति दिलानी है उत्तराखंड को, और कसाब उन्होंने बोला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए अमित शाह जी की मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं, दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, तो मैं उनके बयानों को एक मानसिक रूप से परेशान आदमी का बयान मानता हूं, वरना कितना दुखद है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, जिस समाजवादी पार्टी में लोहिया की विचारधारा हो, उसको वो इस नाम से पुकारे। हाँ ये सही है, कसाब उन्हीं के राज्य से होकर आया था, गुजरात से होकर ही वो बम्बई आया था, कुछ ना कुछ रिश्ता कसाब।
तो अपने अपने तरीके से चुनाव के वक्त कैसी व्याख्या हो रही है सब कुछ आप सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बता दें कि 10 बजे से चूंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले आने हैं।